मुझे आपको एक छोटा सा राज बताना है अपना. क्या? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ. आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? किसी से पूछ लीजिए. हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन. आज इच्छा के अभियान का आखिरी दिन है. आज तो इसकी हार पक्की है. हे नागोमी देव, ये मेरी हमशक्ल कौन है और ये क्या कर रही है? लगता है अब मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा. नाग क्यों नहीं बन रहा है? विनाश कालम विपरीत बुद्धि, नाकाम शक्ति नाकाम सिद्धि. सुपड़ा, अब तेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और तू हमारी इच्छा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा. वैसे ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? पर कुछ ना, लगता छोरे का पेट खराब है. हाँ, बेचारी ऐसी हरकतें ना करे तो क्या करे? दिमाग तो चलता नहीं, जो सुनती है वैसा ही कुछ करने की कोशिश करती है. अम्मा जी, आज घर में इच्छाधारी नागिन की बातें चल रही थी तो ये अपने आप को नागिन कह रही है. कल को हम चोर डकैतों की बात करेंगे तो यो छोरी रात में बंदूक लाके अपने आप को डाकू भवानी सिंह बोलेगी. लो बताओ. वाह जी वाह, वाह क्या बातें ठोकी हैं. वाह वाह वाह. ए छोरी, यहाँ ये सब ना कर. जा 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 ममता, इसे गुसलखाने में ले जा. जा, पहले नहीं बता सकती थी. चल चल जा जा. अरे मुखिया जी, उस सुपड़ा को जल्दी से यहाँ बुलाओ. वो अगर एक और पल वहां रहा तो जरूर कोई नया षड्यंत्र करके मेरी इच्छा बेटी के अभियान को खराब करने की कोशिश करेगा. सिर्फ सुपड़े को यहाँ बुलाने से काम नहीं चलेगा, उसे तो इस बात का दंड भी मिलना चाहिए. नहीं नहीं पिताजी, ये सब सही नहीं है. सुपड़ा तो इच्छा की जान बचा रहा है और उसे इंसानों के विचारों के बारे में इच्छा से ज्यादा मालूम है. और हो सकता है वो ये सब इसलिए कर रहा हो ताकि घर वाले इच्छा को बाहर निकाल दें. ताकि जो कुछ सुपड़ा ने पिछले 10 सालों तक सहा है वो हमारी इच्छा को ना सहना पड़े. वो क्या सोच रहा था वो जाने, लेकिन हमने तो सोच लिया है कि उसने गलती की है और उसे इस बात का दंड मिलना ही चाहिए. तुम्हें पक्का याद है ना कि तुम्हारे को जुड़वा बहन नहीं है? अरे नहीं है. तो फिर वो कौन थी? मुझे लगता है इसके पीछे चिरमिरी का फन है. तुम्हारे फन के चक्कर में भी आल्सो हैड फन. जो भी थी वो डांस बहुत अच्छा किया, मजा आ गया. क्या बात है अपू, हाँ बहुत खुश लग रहा है तू. ये फिर से कोई जादू करके दिखा रही है क्या? देख देख अपू, गुस्से से देख रही है तू. हंस मत, डस लगी तुझे. नागिन जो है ये. अरे चाचू, मुझे नहीं डसेगी, दोस्त है मेरी. घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती. वो सिर्फ डसते इंसानों को. ऐसा नहीं है बब्बल जी, इंसान हो या सांप, प्यार सबके अंदर होता है. प्यार भले ही होता हो लेकिन इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर. इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता. इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर. इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता. सुपड़ा, हम तो तुझे सीधा साधा सफोला समझते थे लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला. मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, हम जानते हैं कि ये कहावत हम सांपों को बदनाम करने के लिए कही गई है लेकिन सुपड़ा ने सच में बदनामी वाला काम करके सारे नागिस्तान को शर्मिंदा किया है. इसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए.
मुखिया जी, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इन इंसानों का। आप क्या समझते हैं इनकी सोच बदलना इतना आसान है जैसे केंचुली बदलना? अरे हम तो सिर्फ डसते हैं, लेकिन ये तो गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं और हमारी तरह डसते भी है, तोते की तरह आग भी फेर लेते हैं, लोमड़ी की तरह दिमाग होता है इनका। इंसान एक होता है लेकिन उसकी सोच कई जानवरों से मिलकर बनी है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं इच्छु अपने अभियान को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। दंड मुझे नहीं आप लोगों को मिलना चाहिए जो आप लोगों ने उस नादान को वहां भेज दिया। सुपड़ा, हमें इच्छा की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, हम जानते हैं उसे ही। लेकिन आप इन इंसानों को नहीं जानते। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आप सबको समझा सकूं। मैं दूध का दूध और जहर का जहर आप लोगों के सामने ला सकूं। बस एक चुनौती, अगर वो इच्छा पार कर गई तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हमें मंजूर है। जिस बुद्धिमानी और धैर्य से इच्छा ने अब तक की अपनी सभी चुनौतियों को पार किया है वो तुम्हारी इस चुनौती में भी सफल होकर अपने आप को साबित करेगी, पूरी सांप प्रजाति की छवि को बदल देगी। हमें मंजूर है। अगर इच्छा चिरमिरी के ख्यालात बदल सकती है तो इंसान फिर भी आसान है। लेकिन सुपड़ा, तुम्हें एक वचन देना होगा कि इस इम्तिहान के बाद तुम इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आओगे। आई प्रॉमिस। नहीं नहीं, तुम वादा करो। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे एक वचन दीजिए कि इसमें नागिस्तान से इच्छा की कोई मदद नहीं करेगा। हम वचन देते हैं। दादी, पिताजी सही कह रहे हैं ना, मैं नहीं मानने वाली। ना माँ, वो नहीं मानेगा। अरे देखिए मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, आपके लिए है ना। छोरी ना, मैं ना ले सकूं, हमारे यहाँ छोरी वालों के यहाँ से कुछ ना लिया जाए। छोरी तो लेंगे ना। अरे घबराना, छोरे जरूर लेंगे। दादी जी, लगता है आपने मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है। बेटी नहीं मानेंगे? बेटी क्यों मानेंगे? बेटी मानेंगे तो हमारी बुआ बन जाएगी, घर बैठे बैठे रिश्ता बदल जाएगा। ना 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 ना। अरे अरे, वैसी बेटी ना कह रही है, वो बेटी जैसी कह रही है। अरे फिर तो ये हमारी मुंह बोली बुआ बन जाएगी ना। अरे वैसे नहीं, अपना समझने के लिए कह रही हूँ। लेकिन तुम तो हो ही अपनी। अरे बस कर, ला दे दे से। दादी जी खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। हाँ चलो चलते। अरे कितनी सुंदर कान की बाली है। अब इतने महंगे रहेंगे तो सुंदर तो रहेंगे ना। नगीना लाइए हमारे लिए, हमेशा मना करती हूँ लेकिन मानती है नहीं। जब आएगी सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आएगी। और दादी जी, मैं तो सोच रही हूँ कि बढ़िया खाना बनाने वाली बहू लेकर आ जाओ इस घर में। क्यों, आपको खाना बनाना नहीं आता? और वैसे भी मैं दो दो बीवियां रख के करूंगा, वो भी मुझे ऐसे ही मारेगी जैसे तुम मार रही हो। और रे, मैं तुम्हारे लिए नहीं बब्बल जी के बारे में बोल रही हूँ। तेरी नजर में है क्या कोई छोरी? जी पिताजी, एक लड़की है, बहुत सुंदर है। बीकॉम है। कॉम कोई भी होने दे, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जी दादी जी, लड़की पढ़ी लिखी ही है। और संस्कार? कारवार ना चाहिए, और हम दहेज के तो एकदम खिलाफ हैं। बस लड़की पढ़ी लिखी हो, खाना अच्छा बना लेती हो, कपड़े धो लेती हो और साफ सफाई कर ले, और संस्कार हो, बस बस हो गया। तो कर। उसके संस्कार तो इतने अच्छे हैं कि जब मोबाइल में भी भजन सुनती है ना तो चप्पल उतार कर सुनती है। घर को ना स्वर्ग बनाकर रख देगी वो। और हमें स्वर्गवासी है ना। अरे तू चुप कर। दी, मुझे लगता है इसके लिए टाइम है, थोड़ा बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। हाँ, एक घंटे बाद बात करते। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे एक घंटे में ऐसी कौन सी देर हो जाएगी। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसके माँ बाप ने उस लड़की के हाथ पीले करवा दिए तो। हाथ धुलवा देंगे गुलाब वाले साबुन से, क्यों? अरे हाँ पिताजी, माँ तो उससे हमारे कपड़े भी साफ कर देती है, पीलापन तो यूं चला जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर उस लड़की के माँ बाप ने अगर उसकी डोली उठवा दी तो। माँ, वो अगर
इतनी बढ़ाई कर रही है छोरी की, तो एक बार देखने में हर्ज क्या है? अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो ना कर देंगे। और वैसे भी बब्बल की उम्र कहाँ निकली जा रही है अभी, है ठीक है तो बुलवा ले उसे। क्यों बब्बल? जी दादी, कैसा आप ठीक समझे? तो दादी नेक काम में देरी कैसी, उसके माँ बाप यही पास में रहते हैं, आप कहो तो बुला लूँ उन लोगों को। बुला ले। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। वो सिर्फ डसते हैं इंसानों को। इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों के नसों के अंदर जहर, इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्या हुआ इच्छा? कुछ नहीं। झूठ, तुम्हारी शक्ल देखकर साफ साफ लग रहा है कि तुम कहीं खो गई थी। हाँ शायद खो ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ सही समय पर बब्बल जी ने मेरी आंखें खोल दी। फिर खो गई? अच्छा ये तो बता तुम उदास क्यों हो, और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अप्पू मेरा खाना खाने का दिल नहीं था, और मैंने सुबह से दूध नहीं पिया, और तुझे तो पता है ना दूध पिए बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो पी लो ना, मुझे तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मुझे माफ करना इच्छु, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। इसे पी कर तुम इतना जहर उगलोगी कि तुम्हारा अभियान यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हें नागिस्तान वापस आना पड़ेगा। अपने आप को संभाल और अपने अभियान पर ध्यान दे। इस प्यार ने मुझे कमजोर ही कर दिया है, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, अपना अभियान जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी। इच्छा मम्मी ने कहा है आलू उबालने रख दो, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है मैं रख देती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये आलू बैंगन कैसे बन गया? हे नागोमी देव, मेरे शरीर में जहर की मात्रा कैसे बढ़ गई? मैंने तो कोई भी जहर वाली चीज नहीं खाई।
हे नागोमी देव, इसमें इसमें जहर किसने मिलाया? भाकू, मैं भाकू से पूछती हूँ कि जहर का असर कैसे निकालते हैं। भाकू, भाकू, जल्दी आ जा, भाकू, आज तुझे अपनी हर दिक्कत को खुद ही सुलझाना पड़ेगा इच्छा। हम सब मुखिया जी के वचन से बंधे हैं। भाकू, कहाँ है तू? भाकू, 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 तू कहाँ रह गया? तेरी मदद कौन करेगा? बड़ी हिम्मत वाली है ये सपोली। इतना सारा जहर पीने के बाद भी अभी तक अपने होश नहीं खोए हैं इसने। हिम्मत और प्यार का अद्भुत संगम है हमारी इच्छा। मुझे यकीन है कि इच्छा इस परेशानी से भी लड़ेगी साहस के साथ अंत तक। अंत तक? मेरा मतलब है कि हमारी इच्छा इस कठिनाई को कुछ ही क्षणों में पार कर लेगी। फिर भी कब तक? इंसानी बस्ती के नियमों के हिसाब से 3 घंटे। तब तक की इच्छा पारस पत्थर की तरह हो चुकी है। जैसे पारस पत्थर को छूकर कोई भी चीज हमेशा सोना हो जाती है, उसी तरह से इन 3 घंटों के बीच इच्छा जिसे भी छुएगी वो हमेशा के लिए सो जाएगा। जिस चीज को छू रही हूं वो जहरीली होती जा रही है। अब मुझे किसी को नहीं छूना वरना वो जान से जाएगा और मैं अपने अभी नहीं मानू। बब्बल जी, अच्छा रोज तो बचाती हो, आज हाथ में नहीं पकड़ा मेरा। बब्बल जी, वो हाथ में चोट लग गई है इसीलिए। इंसान गिरा हुआ है या गिर पड़ा? अरे अरे बबल, तू फर्श पे क्या कर रहा है? भैया मुझे लग रहा है ये तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। यो पानी कहाँ है? अरे तो इसे कौन सा तैरना आता है, पानी से डरता है ये, तभी तो सूखे फर्श पे तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। कर कर भाई तू कर, एक बार इसे तैरना आ गया ना उसके बाद तो सीधा तालाब में। अरे इच्छा, वो दीदी बोलिए ना, तुम उससे दूर क्यों भाग रही है? नहीं वो, अरे भाभी इसके हाथ में चोट लगी है, बताओ ना भाभी को। हाँ अच्छा दिखा। नहीं नहीं दीदी, अभी ज्यादा चोट भी नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। अरे आरती का टाइम हो गया, हाथ जोड़ लो। मंदिर की घंटी नहीं बजी, बाहर की घंटी बजी है। मेहमान आ गए हैं शायद। अरे मेहमान को भी पता चल गया कि आरती का टाइम हो गया है। चलो देवर जी। तेरी, अब मेहमानों को देखिए, मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ, अब जाइए। ये लोग क्यों चले गए अचानक? वो मेहमान आए ना, अब जाइए। अरे पहले क्यों ना बताया? हे नागूमी देव, अगर मैंने किसी को या किसी ने मुझे छू लिया तो मुझे अपने अभियान और इस घर के इंसान दोनों को सुरक्षित रखना है, पर कैसे? ये फूल कैसे मुरझा गए? अरे बोल
मरती क्यों ना है? ये वाइन फूलों को ये कैसे मुरझा गए? दादी जी, इनमें शायद पानी नहीं डाला है इसलिए मुरझा गए। पर एकदम सारे के सारे एक साथ कैसे? दादी, हो सकता है कि इनमें से कोई फूल अपने घर वालों को याद करके उदास हो और बाकी फूल उस उदास फूल को देखकर उदास हो गए हो। और बस बस, अब फूलों के हजारों साल का इतिहास शुरू मत कर देना। ला दे मुझे, मैं ठीक कर। दादी, आप इन फूलों को रहने दीजिए, इन्हें मैं देख लूंगी। आप बाहर मेहमानों को देखिए ना, आपकी वहाँ ज्यादा जरूरत है। ठीक है। नागूमी देव, अब मैं क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.